नाउ यू सी क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट ओ, यहां पर इन्होंने फिगर भी बना दी है, जरूरी नहीं है कि फिगर बनी हुई हो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का हल होने के लिए। बहरहाल ये लिखा इसी तरीके से, एन ऑब्जेक्ट ओ एंड ए प्लेन मिरर एम आर प्लेस्ड इन द पोजिशन एज शोन इन द फिगर, इफ द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर मूव साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ मूव करते हैं, ठीक है, टूवर्ड्स राइट, दोनों किधर की तरफ मूव करते हैं बच्चों, राइट साइड की तरफ मूव करते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है दोनों के अंदर, इन्हें स्ट्रेट पाथ एट यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड है तो ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की जो स्पीड है वो बेसिकली इसकी है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर की स्पीड से मूव कर रहा है, एंड 5 सेंटीमीटर की स्पीड से कौन मूव कर रहा है बच्चों, प्लेन मिरर कर रहा है, राइट, ओके, रेस्पेक्टिवली फाइंड द शिफ्ट इन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द शिफ्ट इन द इमेज, तो इमेज दोबारा यानी 10 सेकंड के बाद इमेज कहां बन रही है और 10 सेकंड पहले कहां बन रही थी, दैट डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड, ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको समझिए। इस फिगर को मैं नीचे बनाता हूं, बच्चों ध्यान रखिएगा मैं कैसे बना रहा हूं इसको, ठीक है, देखिए ये तो फॉर एग्जांपल आपका हो गया मिरर, क्या बनाया मैंने मिरर, इसको कैपिटल एम से लिखा हुआ है तो मैं भी कैपिटल एम से लिखूंगा, राइट, सब बच्चों के समझ में आ रहा है, ओके, और येलो से बनाया मैंने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है सपोज ये सबके नजर, सबको नजर आ रहा है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और इन दोनों के बीच में जो बच्चों डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, कुछ नए बच्चे भी हैं तो मैं जरा कुछ सिक्योरिटी ले लूं क्योंकि बच्चे कभी कभी गड़बड़ भी कर देते हैं, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितना है, 40 सेंटीमीटर है, ये मूव करने से पहले था, राइट, अब इमेज कहां पर बनेगी इसकी, इस टाइम इमेज मूव करने से पहले, मूव करने से पहले बेटा जो इमेज बनेगी वो यहां बनेगी या नहीं, तो इसको मैं आई बोल देता हूं, यस सर, दिस विल बी द लोकेशन, ये जो है बेसिकली क्या है, ये ओरिजिनल लोकेशन है किसकी, इमेज की, तो हम यहां ये बेसिकली हमारा रेफरेंस पोजीशन है, ये ओरिजिनल इमेज, ओरिजिनल पोजीशन ऑफ इमेज, क्या सब बच्चों के समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से सुनिएगा, अब हो क्या रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट भी मूव करेगा और आपका जो मिरर है वो भी मूव करेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव करेगा और जो आपका मिरर है वो इस डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव करेगा, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ये भी बेसिकली 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है मिरर से उतनी ही दूर इमेज बनती है उसकी, ओके, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर ये मिरर मूव कर रहा है तो 10 सेकंड के बाद ये मिरर कहां पर बनेगा, 10 सेकंड के बाद ये मिरर यहां पर बनेगा या नहीं, ये बेसिकली मिरर की न्यू पोजीशन, मिरर की कौन सी पोजीशन है बच्चों, न्यू पोजीशन, बात समझ में आ रही है सब बच्चों के, यस सर, यस सर, और यहाँ यहाँ जो डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा, कौन मुझे बताएगा, ये 10 हो जाएगा या नहीं सर, 10 सेंटीमीटर, सबके समझ में आ रहा है, ये बेसिकली कितना आगे बढ़ चुका है, ये 50 सेंटीमीटर आगे बढ़ चुका है, यस सर, तो ये जो डिस्टेंस है ओल्ड इमेज से न्यू, ओल्ड इमेज से न्यू मिरर का जो डिस्टेंस है वो 10 हो जाएगा, ये वाला 10 जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, आई होप आप सब लोग समझ पा रहे हैं, नाउ लेट अस टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट, वेयर ये ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच जाएगा, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से 10 सेकंड चलेगा, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा या नहीं, यस सर, ठीक है, यानी 10 सेंटीमीटर ये बेसिकली 20 सेंटीमीटर आगे आ जाएगा, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट की न्यू पोजीशन, सब बच्चे समझ पा रहे हैं,
अब न्यू पोजिशन दोनों इमेज की और सॉरी ऑब्जेक्ट की और किसकी मिरर की न्यू पोजिशन। अब इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से, ये आपका 20, दिस इज 20 एंड दिस इज 40 एंड दिस इज 10, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा बच्चों, 70। ठीक है, तो अब ये जो इसकी जो इमेज बनेगी बेटा कहां बनेगी, इसकी इमेज 70 सेंटीमीटर दूर बनेगी या नहीं? यस सर। ठीक है, ये बेसिकली क्या चीज है बच्चों, ये इमेज है न्यू, सब लोग समझ रहे हैं बात को। तो आप देखिए ये वाली ओल्ड, दिस इज ओल्ड, और ये वाली आपकी न्यू, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस कौन बताएगा जल्दी से, 80 है या नहीं? 80 सेंटीमीटर। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज 80 सेंटीमीटर। तो ये वो क्वेश्चन था जो आप में से एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था इसके अंदर, और ये कंसेप्टम का क्वेश्चन है, राइट बेटा, कंसेप्टम का ही क्वेश्चन है ये। यस सर। हाँ फायर का क्या कहनी बताइए सर, ये रिलेटिव वेलोसिटी से नहीं होगा सॉल्व? बेटा रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी के चक्कर में पड़िए आप यहाँ इसके अंदर, रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर, क्योंकि बेसिकली दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव कर रहे हैं और जो आपका इमेज है उसके अंदर आप बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, बात समझ में? ये इसको सादा ही रहने दीजिए, ये सादे से हो रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी से हो सकता है ये सवाल सॉल्व। आप भूमि पूछिए बेटा क्या कह रही हैं आप। सर मुझे ये समझ नहीं आया कि 80 कैसे हो गया इमेज।